नमस्कार साथीहरुलाई, आजको भिडियोमा हामी साप र एक्सेलको बारेमा केही चर्चा गर्नेछौँ। साप के हो, यसको टाइप्स के हो र साप र एक्सेलको कम्पेरिजन कसरी गरिन्छ अथवा के फरक छ त्यसको बारेमा हामी बुझ्छौँ। यो भिडियो चाहिँ मेकानिकलसँग रिलेटेड भएकोले यस्तै मेकानिकल रिलेटेड अरू भिडियोहरू चाहिन्छ भने कमेन्टमा लेखिदिनु होला कुन टपिकमा भिडियो चाहिन्छ। भिडियो सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिले व्हाट साफ्ट, इन्ट्रोडक्सन अफ साफ्ट। साफ्ट के हो त? साफ्ट आर रोटेटिङ मेकानिकल इलिमेन्ट अर मेम्बर द्याट ट्रान्समिट पावर एन्ड मोसन। साफ्ट के हो भने यो चाहिँ मेकानिकल इलिमेन्ट हो जसले चाहिँ पावर ट्रान्समिट गर्छ एउटा मेसिनबाट अर्को मेसिनसम्म अथवा एउटा मेसिन पार्टबाट अर्को मेसिन पार्टसम्म। साफ्ट इज अ रोटेटिङ मेसिन इलिमेन्ट युजली सर्कुलर इन क्रस सेक्सन विच इज युज टु ट्रान्समिट पावर फ्रम वान पार्ट टु एनदर अर फ्रम अ मेसिन विथ प्रोड्युसेस पावर टु अ मेसिन विथ एब्जर्स पावर। भनेको एउटा मेसिनबाट अर्को मेसिनमा, जस्तै मोटरबाट लेथमा पावर ट्रान्समिट गर्नु पऱ्यो भने त्यो पनि साफ्ट हो, साफ्टले गरिन्छ। अथवा एउटा मेसिन एउटा पार्टबाट अर्को पार्टमा पावर ट्रान्समिट गर्नु छ भने हामी साफ्टको मद्दत लिन्छौँ। जस्तै गाडीको इन्जिनको पावर चाहिँ ह्विलसम्म लानु छ भने साफ्टको मद्दतले गरिन्छ। यो साफ्टको पिक्चर तपाईँहरूले पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब आउ टाइप्स अफ साफ्टमा। साफ्ट जेनरली दुई प्रकारको छ, एउटा छ ट्रान्समिसन साफ्ट र अर्को मेसिन साफ्ट। के हो त ट्रान्समिसन साफ्ट? ट्रान्समिसन साफ्ट भनेको कुनै मेसिनले पावर प्रड्युस गर्छ, कुनै मेसिनले पावर लिन्छ। भने पावर प्रड्युस गर्ने मेसिनदेखि पावर लिने मेसिनसम्म पावर ट्रान्समिट गर्ने साफ्टलाई हामी ट्रान्समिसन साफ्ट भन्छौँ। यहाँ डिफिनेसन पढ्न सकिन्छ। ट्रान्समिसन साफ्ट आर युज टु ट्रान्समिट पावर बिट्विन द सोर्स एन्ड द मेसिन एब्जर्बिङ पावर। एक्जाम्पलको लागि मोटर टु लेथ मेसिन, मोटरबाट लेथ मेसिनमा जाने पावर जुन चाहिँले चाहिँ पावर ट्रान्समिट त्यो चाहिँ ट्रान्समिसन साफ्ट। अर्को छ काउन्टर साफ्ट र लाइन साफ्टहरू, अन्य थुप्रै एक्जाम्पलहरू छ। त्यसै गरी मेसिन साफ्ट, मेसिन साफ्ट आर इन्ट्रिगल पार्ट अफ द मेसिन इटसेल्फ। मेसिनभित्रको कुनै साफ्टहरू छ जसले चाहिँ पावर ट्रान्समिट गरिरहेको छ भने त्यो चाहिँ मेसिन साफ्ट। फर एक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ इन्जिनभित्रको क्र्याङ्क साफ्ट, क्याम साफ्टहरू। अब साफ्ट जेनरली माइल्ड स्टिलले बनिन्छ। यदि हामीले हाई पावर ट्रान्समिट गर्नु छ भने हामी एलोय स्टिल, निकल क्रोमियम स्टिल, क्रोमियम भेनेडियम स्टिलको पनि साफ्ट बनाउन सकिन्छ। यो अलिक कस्टली पर्न जान्छ। त्यसै अब नेक्स्टमा एक्सल। धेरैलाई कन्फ्युजन होला साफ्ट भनेको के हो, एक्सल भनेको के हो। अब साफ्ट र एक्सलमा चाहिँ खासै बनोटमा चाहिँ स्ट्रक्चरमा फरक छैन, यिनीहरूको काममा चाहिँ फरक छ। एक्सल आर मेकानिकल मेम्बर द्याट ओन्ली ब्यालेन्सेस फोर्सेस बिट्विन टु ह्विल्स अर गियर। दुइटा ह्विल, जस्तै गाडीको दुइटा ह्विल भयो, अगाडिको दुइटा ह्विल, पछाडिको दुइटा ह्विल, त्यो दुइटा ह्विललाई ब्यालेन्स गर्नको लागि हामी साफ्ट एक्सल युज गर्छौँ। सरी, साफ्ट बनाएको छ, एक्सल युज गर्छौँ। साफ्ट मे बी रोटेटिङ अर नन रोटेटिङ। अब कुनै नन रोटेटिङ मेम्बरसँग त्यसलाई डेड साफ्ट, डेड एक्सल पनि भनिन्छ। एन्ड एक्सल मे बी रोटेटिङ अर नन रोटेटिङ मेम्बर एन्ड फिक्स्ड अन द ह्विल। अब आउ टाइप्स अफ एक्सलमा। साफ्ट, साफ्टको दुईवटा टाइप थियो, एक्सलको जेनरली तिनवटा टाइप छ। तिनवटा टाइपमा पनि सब टाइप्सहरू छ। अब आऊ थ्री टाइप्समा। रियर एक्सल, रियर एक्सलमा छ एउटा फुल फ्लोटिङ, सेमी फ्लोटिङ र थ्री क्वार्टर फ्लोटिङ। त्यसपछि छ फ्रन्ट एक्सल, फ्रन्ट एक्सलमा डेड फ्रन्ट एक्सल र अर्को भयो लाइभ फ्रन्ट एक्सल। यहाँ त लाइन फ्रन्ट एक्सल भएको छ, यसलाई यो मिस्टेक भयो, लाइभ फ्रन्ट एक्सल हुनुपर्ने। र थर्डमा छ स्टब एक्सल, यो चाहिँ इलियट एक्स, इलियट एक्सल, रिभर्स इलियट एक्सल, लेमोइन एक्सल र रिभर्स लेमोइन एक्सल भनेर पनि यसलाई भनिन्छ। अब यिनीहरूको बारेमा डिटेलमा हामी फिगरसहित हेरौँ। अब सुरुमा चाहिँ रियर एक्सलले के काम गर्छ भने यो चाहिँ हामी कुनै पनि भेहिकलको पछाडि, रियर पछाडिको भागमा हुन्छ। यसले चाहिँ वेट अफ द बडी भनेको गाडीको बडीलाई ब्यालेन्स गर्छ अथवा गाडीको बडी यसले चाहिँ थाम्छ। अर्को ड्राइभिङ थ्रस्ट, अब गाडी कुद्दाखेरि कुनै झट्का फोर्स लाग्न छ, त्यो ड्राइभिङ थ्रस्ट फोर्सहरू यसले चाहिँ बियर गर्छ। अब टर्क रिएक्सन, घुम्ने रिएक्सनहरू, टर्क रिएक्सन। अर्को साइड थ्रस्ट, थ्रस्टहरू यसले बियर गर्छ। रियर एक्सलको तिनवटा टाइपमा हामी पढेका थियौँ। सेमी फ्लोटिङ एक्सल, सेमी फ्लोटिङ भनेको हाफ फ्लोटिङ भन्ने बुझिन्छ। अब यसलाई हेरौँ। विथ अ सेमी फ्लोटिङ एक्सल द एक्सल साफ्ट बोथ क्यारिज द वेट एन्ड ट्रान्समिट टर्क। सेमी फ्लोटिङ एक्सलले के गर्छ, यो यसले चाहिँ वेट पनि क्यारी गर्छ र टर्क पनि ट्रान्समिट गर्छ। द ह्विल इज अफ एन बोल्टेड डाइरेक्टली द फ्लेन्ज अन द एक्सल। अब हामी यो ह्विल चाहिँ
कसरी फ्लेंज में बोल्ट गए तो फिगर में देख हमी हे अगरी सेमी फ्लोट एक्सल आर सीन अन कार्स एंड लाइट ड्यूटी ट्रक्स। सेमी फ्लोटिंग एक्सल चाहे जस्ते अब लाइट ड्यूटी ट्रक्स हल्का गाड़ी अनि कारहरुमा हेवी गाड़ी में यूज होते हैं। अरु सेमी फ्लोटिंग आर मोर लिमिटेड इन कैपेसिटी बट लाइटर एंड चिपर टू मैन्युफैक्चर। यो इसको कैपेसिटी धेरै हुँदैन, हल्का गाड़ी में यूज होता तर यह बना सजिलो र सस्तो पनि छ। अब आओ फिगर में सेमी फ्लोटिंग एसल को फिगर, यो अब रियल फिगर गाड़ी को, अर्को एउटा ड्रइंग को फिगर टूडी। यो तपाईहरु भिडियो पज गरेर पनि यसलाई डिटेल में हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा देखाएको छ एक्सल साफ्ट त्यही हो, हामी सेमी फ्लोटिंग एक्सल र एक्सल केसिङ पनि छ, टेपर की एक किसिम को मेकानिकल इलिमेंट नै हो, र व्हील को हब जुन चाहिँ हामी बाहिरबाट हेर्न सक्छ, व्हील को हब यताको नट को पोर्सन पनि यो देखाएको छ। अब फुल फ्लोटिंग एक्सल अघि थियो सेमी फ्लोटिंग एक्सल, अब फुल फ्लोटिंग एक्सल। द वेट अफ द एक्सल इज सपोर्टेड बाय द एक्सल हाउसिंग मोर स्पेशियली अ बेयरिंग स्पिंडल अटैच टू द एक्सल हाउसिंग एंड अ सेट अफ बेयरिंग इन अ सेपरेट व्हील हब टर्क इज ट्रांसपोर्टेड बाय अ सेपरेट एक्सल साफ डैट कैरिज नो वेट। टर्क सेपरेट एक्सल साफ्ट क्यारिज गर्छ जुन मा चाहिँ वेट हुँदैन। अ कमनली बिल्ट फुल फ्लोटर्स आर कन्सिडरेबली हेवियर बट अल्सो मच स्ट्रंगर। अब सेमी फ्लोटिंग एक्सल में अब फुल फ्लोटिंग एक्सल अलग हेवियर हो, बलियो हो, अलग कस्टली भी हो बना महंगो। इसको फिगर देख फिगर तब रियल एटा फिगर, लेफ्ट में रियल फिगर र राइट में ड्रइंग को टू डी फिगर देख तब डिटेल में अब यह फिगर बुझा पर्ने हेन हो। नेक्स्ट में थ्री क्वार्टर फ्लोटिंग एक्सल, अब थ्री क्वार्टर सेमी फ्लोटिंग एक्सल र फुल फ्लोटिंग एक्सल को बीच को कम्बिनेसन अफ बोथ टाइप अफ एक्सल, फुल फ्लोटिंग एक्सल र सेमी फ्लोटिंग एक्सल को बीच को यहाँ लेखे दिस टाइप अफ एक्सल इज अ कम्बिनेसन अफ फुल एंड सेमी फ्लोटिंग बेयरिंग। इन दिस बेयरिंग इज लोकेटेड बिट्वीन द एक्सल केसिंग एंड हब एक्सल शाफ्ट डू नॉट हैव टू विदस्टैंड एनी शेयरिंग और बेंडिंग एक्शन ड्यू टू द वेट अफ द व्हीकल व्हिच आर टेकन अप बाय द एक्सल केसिंग थ्रू हब एंड बेयरिंग। हाइवर इट हैज टू टेक द इंड लोड्स एंड ड्राइविंग टर्क। अब यह एक्सल ने अब इंड लोड जैसे ठूल लोड इंड लोड ड्राइविंग टर्क इस बियर कर। थ्री क्वार्टर फ्लोटिंग एक्सल इज सेम एज अ सेमी फ्लोटिंग एक्सल विथ वन डिफ्रेन्स। अब इसमें थ्री क्वार्टर फ्लोटिंग एक्सल चाहे फुल फ्लोटिंग एक्सल भन्दा पनि सेमी फ्लोटिंग एक्सल चाहे सेमी फ्लोटिंग एक्सल को काम कर। इसमें फरक एटा के द आउटर बेयरिंग इज मूव टू द आउटसाइड अफ द आउटर इंड अफ द एक्सल ट्यूब, भनेको आउटर बेयरिंग चाहे एक्सल ट्यूब को बाहरपटी राख्या हुन्छ। अब यह फिगर बड़ा हमी बुझ्छ सपोर्टिंग हब एसेम्ब्ली थ्रू द भाया द बेयरिंग द आउटर सर्कमफेरेंस एज। यो फिगर चाहे हमी थ्री क्वार्टर फ्लोटिंग एक्सल को। अब फ्रंट एक्सल ये तो भाई तीनटा रियर एक्सल सेमी फ्लोटिंग फुल फ्लोटिंग र थ्री क्वार्टर फ्लोटिंग। अब आओ अर्को में फ्रंट एक्सल, फ्रंट एक्सल नाम आँच यह गाड़ी को अगाड़ी को भाग में हो। अब सब दुई टाइप डेड एक्सल और लाइव एक्सल हम अलग हे। फ्रंट एक्सल फ्रंट व्हील अफ द व्हीकल आर माउंटेड अन द फ्रंट एक्सल, इसलिए के अब चार वा पॉइंट देख इट सपोर्ट द वेट अफ द फ्रंट पार्ट अफ द व्हीकल। अब अगाड़ी होने भाई इसलिए गाड़ी को अगाड़ी भाग को वेट इसलिए सपोर्ट कर अगाड़ी को वेट इसलिए बियर कर। इट फैसिलिट्स स्टेयरिंग मजा चला इसलिए मदद कर। इट एब्जर्ब सक्स विच आर ट्रांसमिट ड्यू टू द रोड सर्फेस इरेगुलरिटीज। अब रोड में अब तलमाथि गिटी बालुआ गिटी ढुंगार होने भाग सक एब्जर्ब को काम भी इसलिए फ्रंट एक्सल ने कर। इट एब्जर्ब टर्क एप्लाइड अन इट ड्यू टू ब्रेकिंग अफ द व्हीकल, गाड़ी अचानक रोक्यो गाड़ी अगाड़ी जान खोज्छ तो टर्क इसलिए एक्सल ने एब्जर्ब। डेड एक्सल के काम कर, डेड एक्सल आर दो एक्सल यू डू नट रोटेट, डेड एक्सल रोटेट होते हैं, यह स्टेशनरी होवे डेड यह मरे जस्तों। दिज एक्सल्स हैव सफिशिएंटली रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू टेक द वेट, यह रिजिड होने भाग बांगी भोजे वेट इसलिए बियर कर। द इंड अफ द फ्रंट एक्सल आर सुटेबली डिजाइन टू एकोमोडेट सब स्टब एक्सल। अब यह स्टब एक्सल भन्ने कुरा स्टब एक्सल थर्ड टाइप को एक्सल हो जो पछि यही भिडियो में पछि इसलिए डेड एक्सल ने के स्टब एक्सल एकोमोडेट करना इसलिए फ्रंट एक्सल इसी डिजाइन करे। आयो लाइव एक्सल, डेड एक्सल घुम्दैन लाइव एक्सल घुम्छ।
अब हेरौ, लाइफ एक्सल आर यूज टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम गियर बक्स टू द फ्रंट व्हील। गियर बक्स व्हीलसम पावर ट्रांसमिट करना चाहिए एक्सएल से, एक्सएल को यो एक्सएल को यूज करें। जनरली एक्सएल चाहिँ पावर ट्रांसमिट को लागि यूज हुन्छ, यो चाहिँ यो एक्सएल चाहिँ पावर ट्रांसमिट को लागि यूज भइराउँछ। लाइफ फ्रंट एक्सएल अल्दो रिजेम्बल रियर एक्सएल बट दे आर डिफरेंट एट द इंड वेयर व्हील्स आर माउंटेड। अब लाइफ एक्सएल चाहिँ रियर एक्सएल जस्तै हुन्छ, तर यो चाहिँ के हुन्छ भने फ्रंट व्हील सँग माउंटेड भएको, यसले चाहिँ फ्रंट एक्सएल मा गनियो। अब यसमा मारुति 800 को गाडीहरुमा चाहिँ यो फ्रंट एक्सएल चाहिँ, यो फ्रंट लाइफ एक्सएल चाहिँ यूज गरेको छ। अब आयो थर्ड टाइप को एक्सल में स्टब एक्सल। स्टब एक्सल चार वटा टाइप याद दिएको छ, अघि मैले पढ्दै छु, सुन्नु होला। स्टब एक्सल आर कनेक्टेड टू द फ्रंट एक्सल बाई किंग पिन। किंग पिन पनि एक प्रकार को पिन हो, हामी अहिले फिगर में पछि हेर्छौं। किंग पिन ले चाहिँ फ्रंट एक्सल सँग यो स्टब एक्सल चाहिँ कनेक्टेड भएको छ। फ्रंट व्हील आर माउंटेड अन द स्टब एक्सल अरेंजमेंट फर स्टीयरिंग। स्टीयरिंग सँग चाहिँ यो अरेंजमेंट भएको छ। स्टब एक्सल टर्न्स अन किंग पिन। किंग पिन ले चाहिँ स्टब एक्सल ले घुमाउँछ, अथवा किंग पिन ले चाहिँ स्टब एक्सल जोडेको हुन्छ स्टीयरिंग में। किंग पिन इज फिटेड इन द फ्रंट एक्सल बीम आई एंड इज लोकेटेड एंड लॉक्ड देयर बाय टेपर कटर पिन। अब स्टब एक्सल को चार वटा टाइप छ, चार वटा टाइप में आयो इलियट, सेकेंड में रिवर्स इलियट, थर्ड में लेमन लेमोइन, र फोर्थ में रिवर्स लेमोइन भन्ने चार वटा स्टब एक्सल। यो चाहिँ हाम्रो चार वटा स्टब एक्सल को फिगर तब पज कर हेन सकूँ। भिडियो लास्ट में हेदि भगवान धन्यवाद धन्यवाद। तब ये ये मेकानिकल टपिक्स रिलेटेड कुछ भिडियो चाहिए कमेंट में लिख दिन होगा। हम चैनल सब्सक्राइब करी हौसला बढ़ाई दून अनुरोध करवाद।